मुंबई के कांदिवली पश्चिम में श्री डी आर व्यास चौक का उद्घाटन मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोधा, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी और चारकोप विधानसभा के विधायक योगेश सागर के हाथों किया गया। उद्घाटन के दौरान मंत्री मंगल प्रभात लोधा ने कार्यक्रम के आयोजक निखिल व्यास का खूब तारीफ की। निखिल व्यास ने कहा कि हमारे दादाजी ने स्कूल की स्थापना की थी और अभी तक चल रही है। जो लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं वह एक बार फिर गुलाम हो जाते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बुजुर्ग और पूर्वजों को याद करते रहे। मुंबई के निखिल व्यास के परिवारों के प्रियतम से उनके दादाजी ने जो यहाँ पर स्कूल बनाई थी उसको मुंबई महानगर पालिका ने और महाराष्ट्र सरकार ने उसका योग्य रीति से सम्मान करते हुए यहाँ पर डी आर व्यास चौक का नामकरण स्वीकार किया था। आज यहाँ पर हम सभी लोगों ने मिलकर सारे कांदिवलीकरों के साथ में उद्घाटन किया और बहुत सुंदर चौक बना है। और चौक न केवल एक वस्तु बनी है बल्कि आने वाले समय में विद्यार्थियों को समाज को प्रेरणा भी देता है। राम मंदिर उद्घाटन का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मीडिया के बातें अलग अलग प्रकार की निकल रही है, जितेंद्र आवाज के बयानों को लेकर कहते हैं ऐसा है कि भगवान राम के नाम में इतनी ताकत है कि गिलहरी ने पत्थर डाले तो वो भी ब्रिज बन जाता है। तो जो भगवान राम के काम आएगा भगवान राम उसकी रक्षा करेंगे, जो भगवान राम के आड़े आएगा उसका वही हालत होगा जो कि राक्षसों का इसके पुराने जन्म में। उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी का महासचिव है और उसके साथ साथ में ये जो धनमल स्कूल जो है, ये स्कूल इनके पिताजी ने बनाया, उस स्कूल को बहुत आगे बढ़ाने का काम निखिल व्यास इतने जवान आयु में कर रहा है, ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत अभिमान और गर्व का विषय है। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के दृश्यों को रास्ते पर उतारने से आने वाले दिन में हमारे जो यंग जनरेशन है उनको एक सीख मिलेगी। एजुकेशन के बारे में तो मिलेगा ही, लेकिन देश और धर्म के साथ साथ में अपने को कैसे आगे बढ़ाना, इसका बहुत बड़ा लाभ इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से होगा। और इससे मैं निखिल व्यास और उनके पूरे परिवार का फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। आज हरकदास रोचकदास व्यास ये सिर्फ मेरे दादा ही नहीं, तो कांदिवली में जब शिक्षण ये प्रायोरिटी नहीं थी, हिंदुस्तान में जब शिक्षण ये प्रायोरिटी नहीं थी उस समय पे एक स्कूल चालू करना और आज के तारीख तक उसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रखना, ये उनका योगदान था कांदिवली के अंदर। और इसीलिए हमने सरकार से विनती की थी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, योगेश सागर जी, गोपाल शेट्टी जी, ये तीनों के प्रयास से आज चौक को परमिशन मिला। और हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी स्वयं आके उन्होंने ये लोकार्पण का कार्यक्रम किया। मुझे लगता है अंग्रेजी में कहावत है, द कंट्री हु फॉरगेट्स इट्स मार्टियर्स इज सून इन्वेडेड अगेन बाय फॉरेनर्स। जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं वो फिर एक बार गुलाम हो जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है सिर्फ प्रेरणा ही नहीं तो ये हमारा कर्तव्य है जो हमें बुजुर्गों को और हमें पूर्वजों को याद रखना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी उनके वजह से, शिक्षा इस कानून के क्षेत्र में उनके वजह से आएगी, तो हमने बस उनको एक श्रद्धांजलि और बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। मंगल जी ने इसके लिए एक और भी बड़ी बात कही है, भविष्य बहुत चाहे और उनको बिजनेस मैन न समझे, नेता भी बन सकते हैं, आपको इस तरह का सपोर्ट रहेगा अगर कोई राजनीति हो सकते हैं कि नॉन हम उनकी रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े रहेंगे और इनका जो साफ मन है और दृढ़ निश्चय है उसके लिए मैं उनके साथ